एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। एक्स का स्केयर प्लस 6x माइनस 567 इज इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन को हमने बाय कंप्लीटिंग स्केयर हल करना है। उसके लिए पहले भी आपको बताया है एक्स के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको हम दो के साथ डिवाइड करेंगे और उसका स्केयर लेकर दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। पहला स्टेप हम करते हैं एक्स का स्केयर प्लस 6x, ये वैल्यू को हम उस साइड पे ले जाएंगे तो उधर जाकर ये वैल्यू प्लस हो जाएगी 567। अब इस वैल्यू को हम दोनों साइड्स पे ऐड कर देते हैं बाय एडिंग। सिक्स ओवर टू का होल स्क्वायर जो कि हमारे पास बनेगा 3 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ऐड करते हैं अगले स्टेप में एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 567 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू हमारे पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रही है 567 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, और ये वैल्यू हमारे पास 576 बन जाएगी। x प्लस 3 का स्क्वायर वैसे लिख दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप करते हैं इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। अंडर रूट लेते हैं दोनों साइड्स पे, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 576 का अंडर रूट। ये वैल्यू इससे कट गई, स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कट गया, बस पीछे हमारे एक्स प्लस 3 बचा और हमारे पास 567 का अंडर रूट है 76 का अंडर रूट है 24 प्लस माइनस 24। अलग अलग दोनों वैल्यूज को कर लेते हैं, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 24, एक बार एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का 24। एक्स वैसे लिखेंगे, ये प्लस 3 उधर जाकर माइनस 3 हो जाएगा और इधर एक्स की वैल्यू हमारे पास 21 आ गई। उस साइड पे देखते हैं एक्स वैसे लिखेंगे, माइनस 24 प्लस 3 उधर जाकर माइनस 3 हो जाएगा और इधर एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस 27 आ गई। दोनों एक्स की वैल्यूज आ गई। सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं 21 एंड माइनस 27। ये था क्वेश्चन नंबर 11 4.1 का।